नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद लगातार रसोई गैस से पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जिससे कि आम आदमी का बजट भी बिगड़ गया है। केंद्रीय मंत्रियों से लगातार उठते बैठते चलते फिरते सवाल पूछा जा रहा है और इसी का सामना अब स्मृति ईरानी को भी करना पड़ा। फ्लाइट के सफर के दौरान स्मृति ईरानी को कांग्रेस नेता नेटा डिसूजा ने घेरा और उन्होंने उनसे महंगाई पर सवाल पूछना शुरू कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। Happy Bihu without stoves, without gas, with increased weight. Please don't lie. Oh, we are lying. Gas is madam, you are misappropriating. दिनों दिन देश में बढ़ती महंगाई को लेकर जनता त्रस्त है और विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार को निशाना बना रही है। इस बीच सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को कांग्रेस नेता नेटा डिसूजा ने दिल्ली गुवाहाटी हवाई यात्रा के दौरान फ्लाइट में शूट किया है। इस वीडियो में डिसूजा ईरानी से सवाल कर रही है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, तो जवाब में ईरानी कह रही है, प्लीज झूठ मत बोलिए। देखिए पूरा वीडियो। Smriti ji, the rates of gas and petrol. See, to, no, in 2000, no. No, no, but everybody is going through this problem because of the rates of. Come through, ma'am. Okay, come. Madam, come. Chalo. Chalo, Happy Bihu without stoves, without gas, with increased ma'am, weight. Please don't lie. Oh, we are lying. Gas is madam, you are misappropriating. No, it is. No problem. You have to let everybody know. Yes. Let everybody know. Yes. Why is the rates? Why is the rates of gas? 50 crore people are getting food no. free for 25. No. So does that mean? Delivered by state. Does that mean that but like I said, the rates of gas? Lovely, if I am not accosted. No one is being accosted. Without my permission. Oh also. My God! When you are on a position, you are a minister. Everybody, I'm answering, ma'am. Everybody. 1.83 million vaccine doses, ma'am, have been given. रविवार को कांग्रेस नेता नेटा डिसूजा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो ट्वीट किया है। इसमें वो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को महंगाई पर घेरने की कोशिश कर रही हैं। वीडियो लगातार शूट हो रहा है। इस दौरान ईरानी खुद का रास्ता रोकने पर भी सवाल उठा रही हैं। कुछ देर में ईरानी भी अपने मोबाइल से इस घटनाक्रम को शूट कर रही हैं। डिसूजा तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्रीय मंत्री से सवाल करती नजर आ रही हैं। ये पूरी घटना दिल्ली गुवाहाटी फ्लाइट में सफर के दौरान घटित हुई। वीडियो में डिसूजा और ईरानी दोनों अपने अपने सेलफोन से इस पूरी बातचीत को रिकॉर्ड करती हुई दिखाई दे रही हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि गुवाहाटी जाते वक्त मोदी सरकार में मंत्री स्मृति ईरानी जी से आमना सामना हुआ। जब मैंने उनसे एलपीजी की लगातार बढ़ती कीमतों के बारे में पूछा, तो उन्होंने इसका सारा ठीकरा टीका, राशन और यहाँ तक कि गरीबों पर फोड़ दिया। वीडियो में दिख रहा है कि कांग्रेस नेता ईरानी से सवाल कर रही हैं। इसी बीच ईरानी कहती हैं कि मेरा रास्ता रोका जा रहा है। वहीं रसोई गैस की कमी को लेकर जब उन्होंने सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि प्लीज झूठ मत बोलिए। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। हालांकि पिछले चार दिनों से तेल के दाम में कोई वृद्धि दर्ज नहीं हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 105.41 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है, वहीं डीजल 96.67 प्रति लीटर मिल रहा है। न्यूज डेस्क, रियल फ्लेवर न्यूज़।